जन का एक नारा वही जीवन है हमारा। एक्चुअली यहाँ तक कि 2002 से लेकर पंचायतों में विरोध के खिलाफ, इसके बीच पानी के विरोध के खिलाफ बहुत सारे प्रस्ताव पड़े हुए हैं। हम चाहे तो आपको प्रस्ताव संख्या भी दे सकते हैं। जो मेन सोर्सेज है वहाँ से उठाएंगे तो वो तो नाला सूख जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे पानी के लिए। गरीबी दूर करनी तो कहाँ रही, उल्टा पानी उठा करके ले जा रहे हैं, हमको सूखे से तड़पना पड़ेगा। जो पानी की जो समस्या हमारी पहाड़ों में जो बर्फ पड़ता था 25-30 साल पहले, वो आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। हमें पानी की बहुत दिक्कत होगी, हमारे पशु है, भेड़ बकरी है, फिर नाले में हम ग्राहक चलते हैं, आटा कहाँ से ले आएंगे हम। पर सरकार जबरदस्ती करती आई है हर बार, एक बार हमने रोका था पीछे, पर अभी भी दोबारा से जबरदस्ती कर रही है गवर्नमेंट। हिमाचल के मंडी जिला की दूर दराज चौहार घाटी के ये ग्रामीण किस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जानना भी जरूरी है। कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए ही लड़ा जाएगा। पानी एक ऐसा महत्वपूर्ण खजाना जिसके बिना किसी भी ग्रह पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जितने भी बड़े शहर या सभ्यताएं ले लीजिए, सभी किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं। लेकिन आज मानव की अति महत्वाकांक्षाओं ने पूरी धरती के वातावरण को बदल कर रख दिया है। गांव के सीधे साधे जीवन को छोड़कर हम शहरों के तनावपूर्ण जीवन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण शहरों की मूलभूत जरूरतें, वो चाहे बिजली की हो या पानी की, वो भी बढ़ती जा रही हैं। इंसान ने बीते एक दशक में जिस रफ्तार से अपनी आबादी बढ़ाई है, उससे धरती के संसाधनों पर काफी दबाव पड़ चुका है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही समस्या से जुड़ी है। ये ग्रामीण जल शक्ति विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये हिमाचल के मंडी जिला की चौहार घाटी के थलटू खोड़ गांव के निवासी हैं। ग्रामीणों का मुद्दा बहुत ही सिंपल सा है, इन्हें अपने भविष्य के लिए पानी की चिंता होने लगी है, और इसका कारण है सरकार की ये ग्रेविटी बेस्ड वाटर स्कीम। ग्रेविटी बेस्ड यानी पहाड़ की ऊंचाई से पानी को गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे ही नीचे के इलाकों में पहुंचाया जाना। थलटू खोड़ और आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि उनका जीवन इस छोटी सी खड्ड, या जिसे आप नाला भी बोल सकते हैं, इसके सहारे ही टिका है। पीने से लेकर पशुओं के पालन और सिंचाई के लिए इस पानी की जरूरत होती है। आजकल बरसात में तो यह नाला काफी भरा रहता है, लेकिन गर्मियों और सर्दियों में स्थिति उलट हो जाती है, और ऐसी परिस्थिति में पानी को उसके उद्गम स्थान से ही लिफ्ट किया जाना कहां तक तर्कसंगत है। हमें पानी की बहुत दिक्कत होगी, हमारे पशु है, भेड़ बकरी है, फिर नाले में हम ग्राहक चलते हैं, आटा कहाँ से ले आएंगे हम, हमको बहुत दिक्कत होती है। फिर नाले में पानी सूख जाएगा तो गर्मी को हम घर को भी उठा सकते हैं। यहाँ लगभग 5,000 लोग यहाँ इस पूरी पंचायत में रहते हैं, वो भी उसके लिए, उनके लिए भी पानी की जरूरत होगी, हमारे पशु पानी के लिए, पशुओं के लिए जरूरत होगी, जमीन के लिए, सिंचाई के लिए जरूरत होगी। पानी बहुत है वहाँ से, पीछे पानी कम है, वो तो जहाँ से वो मूल जो मेन सोर्सेज है वहाँ से उठाएंगे तो वो तो नाला सूख जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे पानी के लिए। सर हमारा विरोध बड़े पहले से चला आ रहा है ये पानी का, क्योंकि 2004-05 से चली हुई है ये स्कीम पचौंड से नीचे, क्योंकि हमारी कम से कम 5,000 आबादी है, कम से कम 20-30 ग्राहक इधर इस नाले के अंतर्गत आते हैं, मतलब पहले से ही लोग विरोध करते आए हैं, पर सरकार जबरदस्ती करती आई है हर बार, एक बार हमने रोका था पीछे, पर अभी भी दोबारा से जबरदस्ती कर रही है गवर्नमेंट। ये जो चक्की आप देख रहे हैं इसे घराट कहते हैं, और स्थानीय लोग ऐसी ही चक्कियों में गेहूं, मक्की या अन्य खाद्य वस्तुओं को पीसते हैं। ये घराट भी पानी से ही चलता है। कल जब यहां से इन मोटी मोटी पाइपों द्वारा पानी निचले इलाकों में पहुंचाया जाएगा तो ऐसे कई घराट बंद हो जाएंगे और कईयों का रोजगार भी। ग्रामीणों को चिंता है कि जिस तरह पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं, साल दर साल बर्फ कम गिर रही है और ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, भविष्य में इस नाले का पानी सिर्फ आसपास के गांव की प्यास ही बुझा सकेगा। लेकिन इस प्रकार की स्कीम द्वारा यहां से पानी को ले जाना
ग्रामीणों के जीवन पर विपरीत असर डालेगा। जो पानी की जो समस्या हमारे पहाड़ों में जो बर्फ पड़ता था 25-30 साल पहले, वो आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से पानी दिन प्रतिदिन बहुत कम होता जा रहा है। आज हमारे पास खुद के पास इतना पानी नहीं है कि हम किसी और को आगे पानी दे दें। और लोगों को ये भी समस्या है कि देखो, किसानों के लिए सरकार कुल बनाए, उनकी ज़मीन खेती के लिए उनको पानी पहुँचाए, उसके उपरांत ये यहाँ से पानी ले जाकर पूरे नीचे किसी भी डिवीज़न को पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए हमें कोई विरोध नहीं है। हमारा सिर्फ यही मांग है कि ये जो पानी मैन सोर्स से पुजौंड नाला से ले जा रहे हैं, उसको बाया लिफ्ट करके नीचे नाला डेरा से उठाया जाए। लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि एक तरफ तो सरकार गरीबी हटाओ, किसानों की आय मजबूत करो जैसे नारे देती है, और दूसरी तरफ ऐसी ऐसी स्कीमों द्वारा उन्हीं के स्वरोजगार को छीनने का प्रयास कर रही है। यहाँ के बाशिंदे तो सरकार से नौकरी भी नहीं मांग रहे, वे तो बस ये चाह रहे हैं कि सरकार उन्हें ये बता दे कि कल को उनकी इस आलू की फसल के लिए, ट्राउट मछली पालन के लिए, यहाँ के मशहूर राजमा की खेती के लिए पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि इस पानी के उद्गम स्थान यानी जहाँ से ये निकलता है, आप वहीं से इसे पाइपों में भरकर निचले इलाकों में ले जाना चाहते हैं। और बाकी ये भूमि जो है बिना सिंचाई से कैसे चलेगी? सरकार एक तरफ तो बोलती है कि गरीबी उठाओ, 2022 तक हम देश के किसानों की गरीबी दूर करेंगे। गरीबी दूर तो करनी तो कहाँ रही, उल्टा पानी उठा करके ले जा रहे हैं। हमको सूखे से तड़पना पड़ेगा यहाँ पूरे इलाके में। आपने देखा है यातायात के साधन ये है सड़कों के, और बाकी ज़बरदस्ती से कोई भी नहीं मान रहे हैं। जल शक्ति विभाग जो है अपनी मनमानी करके लोगों को ज़बरदस्ती से ले जा रहे हैं पानी, और ना ही इनके पास कोई परमिशन है। और ये समस्या सिर्फ अभी की नहीं है, ये 2003-04 से लेकर आज तक इसका विरोध होता आ रहा है। ये इसमें मेन प्रॉब्लम ये है, जैसे आज का किसान वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए उसको पानी की ज़रूरत चाहिए, तो जब ये पानी यहाँ से ले जाया जाएगा, यहाँ से 9 किलोमीटर पीछे पजौंड है, वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर पीछे से पहाड़ी से ले जाया जा रहा है पानी, जब यहाँ से ये सोर्सेज खत्म हो जाएंगे, तो हमारा किसान बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ना, आजकल लोग किसान खेती बाड़ी की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसको वैज्ञानिक ढंग से करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। जब ये पानी यहाँ से जाएगा, तो हमारा किसान कहाँ जाएगा? और नंबर दो बात, जो पानी का मॉइस्चर हमारी ज़मीन के लिए ज़रूरी है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, हमारी भेड़ें पशु जिन्हें हम नहलाने के लिए पानी का यूज़ करते हैं, वो भी नहीं होगा। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि निचले इलाकों में लोगों को पानी ना दिया जाए, वे तो बस ये चाहते हैं कि जैसे सरकार शहरों और निचले इलाकों के लोगों के बारे में सोच रही है, वैसे ही इनके बारे में भी सोचे और इस स्कीम को थोड़ा नीचे से शुरू किया जाए। हमारा इस पानी से विरोध नहीं है, विरोध सिर्फ मतलब यहाँ से उठाया जा रहा है तब विरोध है। नाला डेरे से उठाओ, हम समर्थन करते हैं इस बात का, ताकि इस पंचायत की जनता भी कवर हो जाए, पानी से प्यासी नहीं रहे, और अगले भाई मेरे गरीब उनको भी पानी मिले। हमें कोई ये नहीं, आपत्ति नहीं है, हम भी चाहते नीचे पानी जाए, पर उठाऊ जल पे योजना के तहत मतलब पानी लिया जाए, ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो और हमें भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारी आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लगभग आज से 20 साल के बाद कम से कम 1000 कनेक्शन नल के और भी लग जाएंगे सर इधर, क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो श्योर लगेगा, तो उधर कहाँ से लाएंगे हम पानी सर? मेरा सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ से जो जल शक्ति विभाग के द्वारा जो पजौंड नाला स्कीम जो बनाई जा रही है, उसमें जो 8 इंच का पानी यहाँ से उठाया जा रहा है, मेरा उनसे यही अनुरोध रहेगा कि जो पजौंड नाला स्कीम से जो 8 इंच का पानी आप वहाँ से उठा रहे हैं, कृपया करके आप वहाँ के बजाय आप नाला डेरे से लिफ्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पजौंड से हमारे जो पजौंड वाले यूज़ कर लेंगे, राजवन गांव आता है वो भी उस पानी का यूज़ कर लेंगे, ग्रामन का यूज़ कर लेंगे, शालूपादर यूज़ कर लेंगे, बड़ी दुगान यूज़ कर लेगा, खरियाण यूज़ कर लेगा, दमचियाण यूज़ कर लेगा, हम सब इस पानी को यूज़ कर लेंगे, उसके बाद जो आप नाला डेरे से लिफ्ट करवा सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कीम के खिलाफ उन्होंने बहुत बार प्रशासन और सरकार के सामने अपनी बात रखी है, लेकिन जैसा ये लोग चाहते हैं, सरकार ने इनकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया है। यहां तक कि स्थानीय पंचायतों में भी इस मुद्दे पर अनेकों प्रस्ताव विरोध में पारित हो चुके हैं। एक्चुअली यहां तक कि 2002 से लेकर 18 साल से लेकर पंचायतों में विरोध के खिलाफ, इसके इस पानी के विरोध के खिलाफ बहुत सारे प्रस्ताव पड़े हुए हैं। हम चाहे तो आपको प्रस्ताव संख्या भी दे सकते हैं, और उसके बावजूद भी फिर भी इन्होंने मतलब जबरदस्ती किया, और गाँव की विदाउट एनओसी से ये सब किया जा रहा है। जितनी भी समस्या आज तक हमने सभी डिपार्टमेंट को, SDM साहब को, सभी को सौंपी, लेकिन हमारे किसी ने हमारी शिकायत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
ये तो हमने आपको सिर्फ एक जगह की समस्या बताई। आप अगर पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कितनी ही जगहों में इंसान और पर्यावरण दोनों इस तरह के विकास मॉडल की बलि चढ़ रहे हैं। समस्या जनसंख्या की भी है और बेतरतीब ढंग से बढ़ते जा रहे शहरों की भी है। ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में इंसान के पास ऐसे मुद्दों पर रचनात्मक और इनोवेटिव समाधान की कमी है। हम वैज्ञानिक सोच और दूरदर्शिता के साथ चलेंगे तो सुख समृद्धि और शांति से जी सकेंगे। अपनी स्कीमों और प्लानिंग में अगर हम पर्यावरण की सेहत का भी ध्यान रखेंगे तो इंसान और प्रकृति दोनों के लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी। आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।